बन के इस चमन की तुम बहार हो, मधु बन के इस चमन की तुम बहार हो। तुम बहार हो महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में, चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो, तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। बहार हो के तुम नूर हो प्रकाश फैलाओ, सबके दिलों की आस हो दुख दर्द मिटाओ। जहान के तुम नूर हो प्रकाश फैलाओ, सबके दिलों की आस हो दुख दर्द मिटाओ। तुम बाबा के दुलार हो, तुम बहार हो, तुम बाबा के दुलार हो, आप वो हैं
जो इस शरीर के अंदर बैठा है। ये शरीर हम नहीं हैं, शरीर के अंदर एक शक्ति विराजमान है, वो शक्ति मैं हूं। मैं देख रहा हूं शक्ति को जो मस्तक के बीच में बैठी हुई है। उस चमकती मणि पर मेरी बुद्धि संपूर्णतः एकाग्र है। जैसे कार में ड्राइवर बैठा होता है, वैसे शरीर में मैं आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा हुआ हूं। मैं सर्व विशेषता संपन्न हूं। मुझसे गोल्डन प्रकाश निकल रहा है, सुनहरी किरणें निकलती हुई देखिए। ये प्रकाश निकलकर मेरे मस्तिष्क में समा रहा है। मस्तिष्क का हर एक कण प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है,
मेरा संपूर्ण ब्रेन ऊर्जावान हो गया है। जैसे कि मेरा मस्तिष्क एक मरकरी बल्ब की मुआफिक चमक उठा है, मैं आत्मा दिव्य अनुभव कर रही हूं। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा है कि जैसे मुझे शरीर है ही नहीं, जैसे मोम पिघलकर फैल जाता है, वैसे ही ये पंच तत्वों का शरीर पिघलकर पंच तत्वों में मिल जाता है। मेरी पंच तत्वों की देह विलीन हो चुकी है। अब मुझे देह है ही नहीं, मैं विदेही फरिश्ता। अपने आप को देखें प्रकाश की देह में चमकती एक दिव्य ज्योति। पूरे दिन जो भी कार्य आप करते हैं, अपने आप को देखें वहां पर, घर में देखें, किचन में देखें, ऑफिस में देखें, हर एक कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें देखें। मैं आत्मा प्रकाश की देह में हूं और प्रकाश की कर्मेंद्रियों से कार्य करा रही हूं। अपने आप से बातें करें, मेरे नेत्र प्रकाश के हैं, मेरा मुख प्रकाश का है, मेरी भुजाएं प्रकाश की हैं, मेरा पूरा शरीर सर से पांव तक प्रकाश का है। मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। अनुभव करिए, नोट करिए कैसा रियलाइज हो रहा है, कैसी फीलिंग्स हैं, किसी की तरफ अब खींच हो रही है क्या, क्या किसी से अटैचमेंट है क्या, चेक करिए। हो नहीं सकता,
फरिश्ता हमेशा फर्श से ऊपर रहता है। मिट्टी से उसका रिश्ता नहीं। देखें सर के ऊपर पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता का फाउंटेन पड़ रहा है। जैसे सवेरे शावर लेते हो पंच तत्वों की देह भीगती है, ऐसे शावर तले प्रकाश की देह प्रकाश से सराबोर है। मेरे ऊपर पवित्रता की फव्वारें पड़ रही हैं। जैसे प्रकाश की देह सिमट कर बिंदु में समा जाती है, और अब देखना कि ये फव्वारें केवल बिंदु पर पड़ रही हैं। बाबा की संपूर्ण पवित्रता इन फव्वारों के माध्यम से मुझ बिंदु में प्रवेश कर रही है। मैं बिंदु देखते ही देखते सिंधु बाप समान बन रहा हूं।
मैं सर्व विशेषता संपन्न ज्योति हूं। मैं हूं ही विशेष आत्मा। संपूर्ण विश्व में अनुभूतियों का प्रसाद बांटने वाले मैं पुण्य आत्मा हूं। जो अनुभव मैंने किया है उसका प्रसाद मैं प्रकाश के माध्यम से पूरे विश्व को दे रही हूं। मैं एक पुण्य आत्मा हूं। आप वो हैं जो इस शरीर के अंदर बैठा है। ये शरीर हम नहीं हैं। शरीर के अंदर एक शक्ति विराजमान है, वो शक्ति मैं हूं। मैं देख रहा हूं शक्ति को जो मस्तक के बीच में बैठी हुई है। उस चमकती मणि पर मेरी बुद्धि संपूर्णतः एकाग्र है। जैसे कार में ड्राइवर बैठा होता है, वैसे शरीर में मैं आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा हुआ हूं। मैं सर्व विशेषता संपन्न हूं। मुझसे गोल्डन प्रकाश निकल रहा है, सुनहरी किरणें निकलती हुई देखिए।
ये प्रकाश निकलकर मेरे मस्तिष्क में समा रहा है। मस्तिष्क का हर एक कण प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। मेरा संपूर्ण ब्रेन ऊर्जावान हो गया है। जैसे कि मेरा मस्तिष्क एक मरकरी बल्ब की मुआफिक चमक उठा है, मैं आत्मा दिव्य अनुभव कर रही हूं। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा है कि जैसे मुझे शरीर है ही नहीं। जैसे मोम पिघलकर फैल जाता है, वैसे ही ये पंच तत्वों का शरीर पिघलकर पंच तत्वों में मिल जाता है। मेरी पंच तत्वों की देह विलीन हो चुकी है। अब मुझे देह है ही नहीं। मैं विदेही फरिश्ता अपने आप को देखें, प्रकाश की देह में चमकती एक दिव्य ज्योति। पूरे दिन जो भी कार्य आप करते हैं, अपने आप को देखें वहां पर, घर में देखें, किचन में देखें, ऑफिस में देखें, हर एक कार्य जो आप कर रहे हैं उसमें देखें। मैं आत्मा प्रकाश की देह में हूं और प्रकाश की कर्मेंद्रियों से कार्य करा रही हूं। अपने आप से बातें करें, मेरे नेत्र प्रकाश के हैं। मेरा मुख प्रकाश का है। मेरी भुजाएं प्रकाश की हैं। मेरा पूरा शरीर सर से पांव तक प्रकाश का है।
मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। अनुभव करिए, नोट करिए, कैसा रियलाइज हो रहा है, कैसी फीलिंग्स हैं, किसी की तरफ अब खींच हो रही है क्या, क्या किसी से अटैचमेंट है क्या, चेक करिए। हो नहीं सकता, फरिश्ता हमेशा फर्श से ऊपर रहता है। मिट्टी से उसका रिश्ता नहीं। देखें सर के ऊपर पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता का फाउंटेन पड़ रहा है। जैसे सवेरे शावर लेते हो, पंच तत्वों की देह भीगती है, ऐसे शावर तले प्रकाश की देह प्रकाश से सराबोर है। मेरे ऊपर पवित्रता की फव्वारें पड़ रही हैं। देखें नहाते फव्वारे में जैसे प्रकाश की देह सिमट कर बिंदु में समा जाती है। और अब देखना कि ये फव्वारें केवल बिंदु पर पड़ रही हैं। बाबा की संपूर्ण पवित्रता इन फव्वारों के माध्यम से मुझ बिंदु में प्रवेश कर रही है।
मैं बिंदु देखते ही देखते सिंधु बाप समान बन रहा हूं। मैं सर्व विशेषता संपन्न ज्योति हूं। मैं हूं ही विशेष आत्मा। संपूर्ण विश्व में अनुभूतियों का प्रसाद बांटने वाली मैं पुण्य आत्मा हूं। जो अनुभव मैंने किया है उसका प्रसाद मैं प्रकाश के माध्यम से पूरे विश्व को दे रही हूं। मैं एक पुण्य आत्मा हूं। Check.